डिनर में क्या खाना खाना चाहिए, ये मुझे बहुत कमेंट्स में आता है। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं डिनर थाली बनाती हूँ जो सारा काम करके 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में रेडी हो जाएगी और बहुत पौष्टिक है, बहुत स्वादिष्ट है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा व्हाट्स इन माय थाली टुडे की बहुत सारी वेज रेसिपीज और साथ में बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स। तो चलिए थाली शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपको ये जो साड़ी मैंने पहनी है अच्छी लग रही है, बड़ी सॉफ्ट कंफर्टेबल है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, तो मैंने अमेजोन हॉल किया था जिसका मैं लिंक ऊपर अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं सारी चीजें साइमल्टेनियसली बनाती हूँ, जैसे दाल रखी तो सब्जी काट ली, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं हर चीज सेपरेटली दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चावल रख देती हूँ। वैसे तो चावल सभी को बनाने आते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, अगर आप मेरी तरह पानी के साथ चावल खाते हैं, अगर आप वेट लॉस में हैं तो पानी हटा दीजिए, अगर नहीं है तो आप पानी के साथ खा सकते हैं क्योंकि उसके पानी के भी फायदे होते हैं। ओके, तो जैसे अगर मैंने एक कटोरी चावल लिए तो दो कटोरी पानी, यानी दो गुना पानी। अब चावल में उबाल आ गया है, अब हम क्या करेंगे कि गैस सिम पे कर देंगे और ढक देंगे, लेकिन थोड़ा खुला छोड़ देंगे नहीं तो पानी गिरता है। तो ये देखिए हमारे चावल रेडी हो गए, साइड से ऐसे करके देखेंगे पानी सूख गया है, मतलब चावल रेडी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मूंग की दाल ले ली है, आप चाहें तो तूर दाल भी इसकी जगह ले सकते हैं क्योंकि दाल बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए तो आधी कटोरी ली है। आधी कटोरी दाल लेंगे तो चार गुना पानी, और ये थोड़ी सी अलग दाल बनने वाली है। ये महाराष्ट्र स्टाइल की दाल है जिसे हम वरण कहते हैं, जो कि मैंने अपनी कुक से सीखी है निर्मला जी से, और ये दाल थोड़ी सी पतली ही बनती है। तो दाल में चार गुना पानी डाल दिया है, अब मैं डालने जा रही हूँ कोकम। कोकम पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडक पहुंचाता है, तो जितनी खट्टी दाल चाहिए आपको, हल्की सी खटास होती है उतना ले लीजिए। बहुत थोड़ा सा गुड़, ये ऑर्गेनिक जागरी है, हींग, हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से। एक विसल के बाद हम इसे सिम कर देंगे और दो मिनट के लिए रखेंगे। गैस हमने सिम पे कर दी है, दाल चेक करते हैं फ्रेंड्स, दाल हो गई है। आप देख सकते हैं दाल का पानी सूख गया है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, मतलब ये ऑर्गेनिक दाल थी इसलिए शायद इसमें ज्यादा पानी पड़ा, तो इसे हम पानी डाल के बॉयल दे देंगे। तो फ्रेंड्स, वरण जो है ना वो बिल्कुल घुला हुआ बनता है, बहुत ऐसे खड़ी खड़ी दाल नहीं होती है, तो इसे हम अच्छे से मत देंगे। तो छौंक तैयार कर लेते हैं, दाल में बॉयल आ गया है, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है इसकी, आप चाहें तो अपने हिसाब से गाढ़ी पतली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोग इस दाल को सिर्फ ऐसे ही घी डाल के खा लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा छौंक अच्छा लगता है, तो जितने लोग हैं खाने वाले उस हिसाब से जो है आप एक एक चम्मच ही, चाय की चम्मच ही सबके लिए डाल दीजिए। हींग, राई, आप चाहें तो राई की जगह जीरा डाल सकते हैं अगर आपको राई का स्वाद नहीं आता तो। तो जैसे ही राई स्प्लटर करने लगेगी हम डाल देंगे हरी मिर्ची एक, इसको स्प्लिट कर लीजिएगा, और कड़ी पत्ता क्योंकि गीला है इसलिए ऊपर करके ऐसे डालेंगे, नहीं तो आग पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बीटरूट की सब्जी। इसके लिए मैंने एक बीटरूट बारीक काट लिया, फटाफट काटना हो तो वो हैंड चॉपर होता है ना, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक चम्मच बारीक कटी अदरक, राई, हींग ऑप्शनल है, एक या दो टेस्ट के हिसाब से ऐसे स्लिट करके, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये रही हमारी बीटरूट। फ्रेंड्स, बहुत पकाना नहीं है हमें, बीटरूट को नमक डाल दिया, हल्की सी काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा सा हिला के फ्रेंड्स इसे हम ढक देंगे, नमक डाला हुआ है तो अपना पानी छोड़ देगी बीटरूट। बहुत ज्यादा भी नहीं गलानी है, हल्का सा इसे क्रंच रखना है, लेकिन फिर भी चाहिए तो थोड़ा सीधा पानी करके हम डाल के इसको फिर ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी रेडी हो गई है, थोड़ा सा क्रंच भी है और सॉफ्ट भी है। फ्रेंड्स, अब एक ऐसी चटनी बनाने जा रही हूँ जो ऑप्शनल है, लेकिन इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कभी भी ये चटनी बना के खा सकते हैं। सिंपल खाने के साथ बनाएंगे ना तो मजा ही आएगा उसका, सिर्फ दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ये ली मैंने हरी मिर्ची और मैं इसे जो है सेक लूंगी अच्छे से इसके ऊपर। ये देखिए आधी जली सी है, आधी ऐसे ही है, ये हटा ली हमने। अब हम ये मैंने टमाटर के दो टुकड़े कर दिया, मैंने इसके ऊपर रख दिया है, इसको भी हम हल्का सा काला करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से काला हो गया है, इसे मैंने डाला इसमें। अब फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो मोटर एंड पेसल है ये थोड़ा छोटा है, लेकिन इस चटनी का मजा इसी में है, तो मैं सब उसी में घुसा घुसा के पीस रही हूँ। अब डाल देंगे हरी मिर्ची,
तो हरी मिर्ची भी अच्छे से मैश हो गई है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बड़ी स्वादिष्ट चटनी बन जाती है, एक अलग ही स्मोक्ड फ्लेवर होता है इसका। एंड अब डालेंगे हम इसमें लहसुन, जो कि स्मोक्ड नहीं है, ऐसे ही है। इसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा नमक। तो फ्रेंड्स, ये छोटा होने की वजह से जो है लहसुन नहीं कूट पाया, तो मैं इसे अलग से कर रही हूँ। इस चटनी को एकदम चार चांद लगाने के लिए हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सरसों का तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आपको पसंद हो तो ही डालिए। और अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो हम फ्रिज में इसे 2-3 दिन रख भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी टिप रात के खाने के बारे में ये है फ्रेंड्स, कि जितना हो सके जल्दी खाना खा लीजिए, 7 बजे या लेटेस्ट 8 बजे खा लीजिए। आप कुछ भी खाइए, पतले ही रहेंगे, मोटे नहीं होंगे फिर। एंड ये थाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पौष्टिक है, बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सैलेड क्यों इसमें नहीं है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि रात के टाइम कच्चा खाना मत खाइए, क्योंकि काफ़ी गैस कर देता है कई बार। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच watching.